Hello friends, I am Akash Kumar and you are watching my channel Cat Guru. Very welcome to you all. Today I am going to create a pattern programming on a language C. So for a better understanding, keep watching my video till the end. So without any wasting of time, let's start our program. सबसे पहले हम देखना चाहते हैं इस प्रोग्राम में हमें क्या-क्या हिंट मिल रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें स्टार जो है रेगुलर इंटरवल में प्रिंट करवाना है। आप देख सकते हो लेकिन हर इंटरवल के बाद आपको लाइन चेंज करनी है और वो लाइन चेंज भी रेगुलर इंटरवल में है। जैसे आपका स्टार प्रिंट होने का काम खत्म होता है वैसे आप लाइन चेंज कर देते हो। तो यहाँ से दो चीज समझ आ गई कि आपको दो चीज लगातार काम करनी है, एक स्टार प्रिंट करने का और एक लाइन चेंज करने का। मतलब हमें दो लूप की जरूरत है तो हमने दो लूप ले ली। अब दिक्कत यह है कि लूप कैसे तैयार करें, कौन से वाले लूप में क्या आएगा, स्टार किस लूप में प्रिंट होगी, लाइन चेंज किस लूप में होगी, अब ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे ना, पहले तो हमें पता करना है कि लूप चलाना कितनी बार है। तो जो पहला लूप होगा वो हमें ये आइडिया देगा कि कौन कितनी बार काम होने वाली है। तो हम देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 फाइव टाइम्स हमें लूप को रन करना है। तो हमने पहले वाले लूप में कहा कि ए इक्वल टू 1, कि 1 से स्टार्ट हो जाएंगे, ए लेस देन इक्वल टू 5, 5 टाइम्स काम करेंगे, ए प्लस प्लस। अब क्या है इस वाले लूप के अंदर, जे वाला लूप है। अब जे वाला लूप जो है 5 टाइम्स रन करेगा क्योंकि हमने पहले लूप में इंसर्ट कर दिया है कि हमारा ये लूप जो है पहला वाला वो 5 टाइम चलने वाला है और इस वाले लूप के अंदर एक लूप और है तो ये लूप 5 टाइम्स रन करेगी। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बोलेंगे कि बी लेते हैं और अब हम काम करेंगे स्टार प्रिंट करने का, कि अब हमें स्टार प्रिंट करना है। तो हम देख पा रहे हैं पहले हमारे पास 5 स्टार है, देखो 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने कहा कि बी इक्वल टू 5, पहले तो हमें 5 चाहिए लेकिन उसके बाद वो स्टार कम हो रहे हैं तो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। जब तक वो ए से बड़ा और एक इक्वल है तब तक वो होते रहेगा और हम उसे डिक्रीजिंग इंटरवल में रन करेंगे, बी माइनस माइनस। ठीक है, अगर ए 1 रहेगा तो बी 5 रहेगी और 5 से कम होते हुए ए तक पहुंच जाएगी क्योंकि मैंने माइनस माइनस लिखा होगा। इस वाले लूप को क्लोज करेंगे और मैंने यहां पे कहा प्रिंट एफ स्टार। अब देखो इस वाले लूप के अंदर सारा काम चल रहा है, लूप इसके अंदर है अभी तक। तो पहला लूप जो पहली बार लूप स्टार्ट हुआ तो उसने 5 बार स्टार प्रिंट किया, मैंने कहा ए इक्वल टू 1, मैं पहले लाइन में हूँ। तो जब पहले लाइन में था तो बी बोल रहा है कि स्टार 5 रहेंगे और ए तक जाएंगे तो ए 1 है तो 5 से स्टार्ट की और 1 तक गए तो 1, 2, 3, 4, 5 5 स्टार प्रिंट हो गए, प्रिंट करना स्टार। और यहाँ मैंने फिर लूप को बंद कर दिया। तो देखा आपने पहला लूप एक बार एक बोलता है 1, दूसरा लूप 5 टाइम उस काम को करता है तो उसने कहा 1 तो उसने 5 टाइम स्टार प्रिंट किया। अब मैं बाहर आऊंगा तो जैसे मैं बाहर आऊंगा पहले लूप के तो मैं दूसरे लूप को बोल दूंगा कि ये काम भी करते रहना, दो काम करना है तुमको, एक काम तो लूप चलाना और दूसरा काम प्रिंट एफ लाइन चेंज। मैंने एक काम इसको और दिया, आपके पास जो पहला लूप है जो ग्रेटर लूप है उसके पास दो काम थे, इस वाले इनर लूप को रन करना 5 टाइम्स और लाइन चेंज करना 5 टाइम्स, वो दो काम कर रहा है। तो पहले उसने ये काम किया स्टार प्रिंट करने का, 5 टाइम स्टार प्रिंट पे उसने लाइन चेंज कर दी और मैंने कहा कि पहला लूप भी बंद। अब देखो पहला लूप खत्म हुआ लेकिन पहले लूप में इंसर्ट किया गया कि 5 टाइम चलना है, अब वो फिर से रन करेगा, अब यहाँ हो जाएगा 2। जैसे यहाँ 2 होगा तो बी इक्वल टू 5 और लेस देन इक्वल टू ए, ग्रेटर देन इक्वल टू ए तो 2 तक जाएगी वो। अब क्या होगा 5 से स्टार्ट होगी और 4, 3, 2। अब देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 4 टाइम प्रिंट हुई है, अभी के देखो 5 से तो 5 उसके बाद 4 उसके बाद 3 उसके बाद 2। तो आपसे बताओ कि 4 टाइम प्रिंट होगी क्या स्टार, तो 4 टाइम स्टार प्रिंट हो गए। फिर नीचे आया फिर से लाइन चेंज हो गया, नीचे आ गया मैं फिर से लूप ऊपर गई, अब ऊपर हो गया 3, जैसे 3 हुआ तो नीचे 5 से 3 तक रन करेगा लूप, तो 5 से 4, 5, 4, 3 वो 3 बार स्टार प्रिंट करेगा और फिर लाइन चेंज ऐसे चलते रहेगा तब तक 5 टाइम्स और आपका ये पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। ये आपकी प्रोग्रामिंग है जिसमें आप अपने इस पैटर्न को प्रिंट कर सकते हो। अब मैं इस प्रोग्राम को अपने पीसी में रन करके आपको दिखाता हूँ कि प्रोग्राम कैसे रन होता है। तो आइए फ्रेंड्स अपने प्रोग्राम को इस पीसी में करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने अपने प्रोग्राम को राइट कर लिया है, अब मैं इसे रन करता हूँ और आप देखो हमारा रिजल्ट क्या आता है।
तो आप देख पा रहे हो हमारा रिजल्ट आ गया है जो हम बनाना चाहते थे। अब मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ, जहाँ पे हम प्रिंट एफ स्टार कर रहे थे, अगर मैं वहाँ प्रिंट एफ ए कर दूँ तो देखो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। तो समझने की कोशिश करो, पहले तो परसेंटेज डी, क्योंकि अब इंटीजर प्रिंट होगा, और ए, अब ए में क्या है तो ए में वन से लेके पहले वन होगा, फिर ए में सिर्फ टू होगा, फिर ए में सिर्फ थ्री होगा, क्योंकि देखो मैं जो प्रिंट एफ कर रहा हूँ ना वो सेकंड वाले लूप के अंदर है, तो पहला लूप एक बार ही चलेगा और उसके बाद ये प्रिंट होगा कितने टाइम्स, जब तक वो ए तक नहीं पहुंच जाता, बी जब तक ए तक नहीं पहुंच जाता। तो अगर ए में वन है तो बी में क्या क्या है, 5 4 3 2 1 सब कुछ है, तो अब क्या होगा, प्रिंट एफ सिर्फ ए होगा कितने टाइम्स, जब तक 5 4 3 2 1 मतलब 5 टाइम्स प्रिंट होगा ए, तो ए में क्या है वन, तो वन 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 5 टाइम्स, फिर 2 2 2 2 4 टाइम्स, फिर 3 3 3 3 टाइम्स, फिर 4 4 2 टाइम्स और 5 1 टाइम्स। देखो हमने यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं लगाया, रन करो, आप देख पा रहे हो 1 1 1 1, फिर 2 2 2 2, फिर 3 3 3 3, फिर 4 4, फिर 5। अब क्या करते हैं, अब यहाँ लिखते हैं बी, अगर मैं बी लिखूंगा तो अब क्या होगा, देखो बी में क्या है, बी 5 से स्टार्ट हो रहा है और फिर जाएगा कब तक, जाएगा ए तक। अब क्या होगा, अब आपको सिक्वेंस मिलेगी, कैसी सिक्वेंस, तो 5 से लेके 1 तक की सिक्वेंस, फिर 4 से लेके, पहले 5 से लेके 1 तक की, फिर 5 से लेके 2 तक की, फिर 5 से लेके 3, फिर 5 से 4 और फिर अकेला 5। देखो अब देख पा रहे हो आपका सीक्वेंस, तो ये आपका आज का प्रोग्राम है जिसमें सीखा कि कैसे हम बना सकते हैं ट्रायंगल को। इफ यू लाइक माई एफर्ट देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू हियर देन प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।